हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जो हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल हमारा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की दूसरी जो है महिला राष्ट्रपति बनी है। ये आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे, ये जो फोटो है फ्रेंड्स ये द्रौपदी मुर्मू का है। आपने याद रखना है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आपने याद रखना है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा और द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है और सबसे पहले कम उम्र के राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी था, ये भी आपने याद रखना है। अगला फ्रेंड्स, वो है द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में जो है द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। ये आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, रेड कलर का जो है ये राज्य उड़ीसा है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती है। इनका जन्म उबरबेड़ा मयूरगंज जिले उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? जो उबरबेड़ा है, मयूरगंज जिले में एक गांव है उबरबेड़ा, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। यह पहली जनजाति राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपने याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। अगला सवाल हमारा, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है 1947 में जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। ये आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल दोस्तों देखने से पहले सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो द्रौपदी मुर्मू कहाँ से पढ़ाई की है? रामा देवी महिला विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है और इनका पॉलिटिकल जो करियर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पॉलिटिकल पार्टी इनका है। इनका पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू। फ्रेंड्स, श्याम चरण मुर्मू का देहांत हो गया था 2014 में और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू। इतिश्री मुर्मू जो है द्रौपदी मुर्मू का बेटी का नाम है। अगला सवाल देख लो हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स, 1997 को द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों बीजेपी की, तो आइए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान लेते हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, वैसे आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को मालूम ये भी होगा दोस्तों, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जो इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों ने मिलकर जो है बीजेपी की स्थापना किया था, तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की राष्ट्रपति बन गई है भारत की, तो ये भी आप लोग याद रखने लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है? तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों संथाल जनजाति संथाल जनजाति हैं उसी से संबंध रखती है।
अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? द्रौपदी मुर्मू जो है 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, झारखंड। दोस्तों झारखंड राज्य की जो है पहली राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू। ये भी दोस्तों पूछा जाएगा, ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हमारा दोस्तों, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जो है प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा विधानसभा में जो 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक जो नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू को, ये भी आप लोग याद रखना है। दोस्तों ये वीडियो का जो ये क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो है इसका जवाब देना है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।